हस्त्र का शास्त्र के अनुसार हथेली पर बनने वाले निशान और रेखाओं से व्यक्ति के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें पता की जा सकती हैं। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की हथेली के बीचों बीच अंग्रेजी का अक्षर M बन रहा है तो इसे शुभ माना जाता है। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होती है। आइए जानते हैं हथेली पर बनने वाले M अक्षर की खासियत। अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में जानकारी को देखिएगा। अगर आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो अपने बाएं हाथ में देखिएगा। अगर आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो अपने दाहिने हाथ में देखिएगा। हस्त शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जिन लोगों के हाथों में M का निशान होता है वे लोग किसी और के बताए हुए रास्ते पर चलना पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसे लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं और कड़ी मेहनत करके एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। जिस मनुष्य की हथेली पर M का निशान बना होता है उसके पास काफी पैसा होता है, लेकिन ऐसे लोगों के पास पैसा टिकता नहीं है, बल्कि किसी न किसी काम में इनका पैसा चला ही जाता है। ऐसे लोग काफी बलवान और शक्तिशाली होते हैं। भले ही वो बाहर से कमजोर दिखें, लेकिन अंदर से ये काफी शक्तिशाली होते हैं। जिस किसी के हथेली पर M का निशान बना हो तो ऐसा व्यक्ति भविष्य को लेकर काफी सजग रहता है, जिस कारण से उसे कार्यों में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा लीडर बनता है, उस व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता होती है और वह कोई बड़ा राजनीतिक पद हासिल करता है। इस तरह के व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध चित्रकार, लेखक और साहित्यकार बनता है। इनके पास पैसे का अभाव नहीं रहता है। ऐसे लोगों का प्रेम विवाह होने की संभावना होती है। इनकी अपने जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल रहता है। ऐसे लोग किसी भी तरह के बदलाव से नहीं घबराते हैं। ये लोग जीवन में आने वाली हर चुनौती को सहजता से स्वीकारते हैं और उसका सामना करके सफल भी होते हैं। ऐसे लोग काफी शांत व सज्जन व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता के लिए आगे आते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी झूठ बोलना पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार को महत्व देते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी पर भी विश्वास जल्दी कर लेते हैं, जिससे कई बार वह धोखा का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो ये निशान बहुत ही रेयर बनता है, क्योंकि दोष मुक्त रेखाएं होनी चाहिए, बीच में टूटी फूटी ना हो, लहरेदार ना हो। अगर इस प्रकार से निशान बन रहा है तो बहुत लक्की साइन होता है। दोस्तों, पर जो अभी आपको गलती बताने जा रहे हैं, अगर आपने जीवन में कर दिया तो उसके चलते ये निशान होते हुए भी आपको फायदा नहीं दिला पाता, तो वो गलतियां क्या हैं? आइए जानते हैं। आप माने या ना माने, पर जिनके हाथ में ये निशान होता है दोस्तों, वो थोड़ा लेजी किस्म के होते हैं। उनके अंदर थोड़ा आलस होता है और जल्दी ही वो किसी भी काम को डाइवर्ट कर लेते हैं। अपने मन में अगर कोई काम करने की ठानी है तो पहले वो पूरे जोश में होते हैं कि काम कर दिखाना है, पर धीरे धीरे जब उनके हाथ से वो काम निकलने लगता है तो वो असफल होने लगते हैं। उनका मन डाइवर्ट होने लगता है और उस काम को बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, जिस वजह से उनको असफलता का सामना करना पड़ता है। अगर आप बार बार कोशिश करें, एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार, तो आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। अगर आप इस चीज पे ध्यान दें तो हो सकता है आप आने वाले समय में सफलता को पालें। इसके बाद इनका स्वभाव ज्यादातर मिलनसार नहीं होता। इनके बहुत कम दोस्त होते हैं, जिस वजह से इनका फ्रेंड सर्कल भी छोटा होता है। अब यहाँ पर अगर इनको कोई कार्य करना होता है, अगर किसी काम के बारे में रिसर्च करनी होती है, तो इनके पास पहले से ही कॉन्टेक्ट बेस बहुत छोटा होता है, जिस वजह से अगर कोई कार्य जो 10 दिन में हो सकता है वो 20 दिन में होता है। आप अपने स्वभाव को थोड़ा शांत बनाइए। इनको जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, जिस वजह से ये अपने मित्रों में ज्यादा पॉपुलर नहीं होते। ये अट्रैक्टिव तो होते हैं, हर कोई इनकी तरफ खींचा चलाता है, पर ये अपने स्वभाव की वजह से उनको अपना मित्र नहीं बना पाते। हो सकता है अगर आप अपने स्वभाव पे फोकस करें तो आने वाले फ्यूचर में आपको इतना समय ना लगे। अब इसके बाद तीसरा फैक्ट,
ये धन प्राप्ति के संबंधी बहुत चिंतित रहते हैं कि हमें पैसा कब मिलेगा, अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो कब होगी, अगर मन में कोई इच्छा है तो वो कब पूरी होगी, जिस वजह से ये डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि इनकी इच्छा समय से पहले पूरी करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है और अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका वो स्ट्रगल टाइम चल रहा है। अगर आपने परीक्षा पास कर ली तो 25 साल की उम्र के बाद अगर आप बिजनेस करते हैं, जी हाँ, अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो फ्यूचर में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। पर अगर आपने 25 साल की उम्र से पहले ही डिमोटिवेट होकर काम को ड्रॉप कर दिया तो भाई भूल जाओ कि आपको कोई सफलता मिलेगी, क्योंकि भाई किसी भी काम को करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, आपके हाथ में जो ये M का निशान है, तभी आपको फायदा होगा जब आप इन 3 फैक्ट पे जो हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं इस पर आप ध्यान देंगे और अच्छी तरह से अपने जीवन में उसको उतारेंगे और लाइफस्टाइल में उसको अपनाएंगे।